सभी भाइयों को राम राम। और भाई फिर से स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। मैंने जो मेरी पहली गाड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी थी टाटा इंडिका 2006 में, उससे पहले तो खैर मैं पुरानी गाड़ियों से पापा की दी हुई गाड़ियों से काम चलाता था। 2006 में इंडिका खरीदी थी और उसके बाद एक टाटा सफारी खरीदी, फिर और गाड़ियाँ खरीदी। बड़ी मतलब स्मूथ लाइफ चल रही थी, गाड़ी नॉर्मल सर्विस पर ही जाती थी और नॉर्मल सर्विस होके घर आ जाती थी, कभी कोई ऐसा इशू नहीं। और फिर भाई मैंने ये जिप्सी ली और उसके बाद मेरी लाइफ में अलग ही एक रोमांच आ गया। जब से लिया तब से भाई मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार तो यहीं आ चुकी है। इस बार इसमें जो प्रॉब्लम आई है ये इसकी क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं कुछ इसमें, ये प्रेशर प्लेट। चलिए बेटा गाड़ी तो ठीक से चलेगी ना? हाँ डैड, नया क्लच डाला है, कार्बोरेटर भी बदल दिया है, कल ट्यूनिंग भी करवा ली है। अच्छा अच्छा बेटा, जा ताला लगा। चलो तो चल। सही डैड, देखो तुम्हें ऐसे पहुंचा देता हूँ। चल पी ले, चल जल, चल जल्दी। आज तुम लोग देखते रहो तुम्हें मैं कैसे फास्ट पहुंचा देता हूँ। गाड़ी कंडीशन में आज क्या हो गया? बैटरी ठंडी पड़ गई डैड, मेरे को नहीं लगता गाड़ी अभी आगे जाएगी। भैया जब गाड़ी आगे नहीं जाती तो पीछे ले लो, घर पहुंच जाएंगे। डैड थक्का मारना पड़ेगा। क्या मुसीबत है, चलो नीचे उतरो। चलो भाई। ये क्लच घिस के अंदर, ये देखो भाई बुरादा पूरा, कैसे बुरादा पड़ा हुआ है। तो इस बार भाई चेंज हो रहा है ये क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, एक अपना आगे का जॉइंट है वो डलेगा नया, और एक एक क्लच का बेयरिंग है, और गियर ऑयल भी अपन साथ साथ चेंज कर रहे हैं। तो टोटल जो सामान आया है भाई, ये तीन सामान आए हैं 1635 रुपये के, जिसमें से 575 का ऑयल है, बाकी ये दो आइटम है। और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का जो सेट आया है वो आया है 3250 रुपये का। तो भाई सामान दिए थे राम अवतार जी को और अब जा रहा हूँ देखने कितना काम किया कितना नहीं किया। और लगभग हर बार जब भी OTR के लिए या जिप्सी को लेके कहीं ड्राइव पे जाता हूँ तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। अब तो घर वाले भी एक वो पिक्चर का उदाहरण देने लग गए, कोई पिक्चर है खट्टा मीठा, अशोक कुमार का बेटा होता है, उसके पास कोई मेटाडोर होती है और वो उसको रोज़ खोल के ही बैठा रहता है रिपेयरिंग करने के लिए। तब मैं और मेरी जिप्सी दोनों बदनाम हो गई भाई घर पर, कि रोज इसको कुछ ना कुछ काम चाहिए ही होता है, कुछ ना कुछ काम मांगती रहती है। देखते हैं भाई अभी इस बार तो कराएं। तो भाई क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट तो चेंज हो गई हैं और गियर बॉक्स चढ़ा दिया है, वापस फिट कर दिया है, बाकी फिटिंग अभी होनी है। गाड़ी आ गई है भाई अपनी, काम होकर गाड़ी ले आए थे राम अवतार जी से, वॉशिंग भी करा ली है एकदम साफ सुथरी। और जब उन्होंने अपनी लेबर बताई तो मैंने कहा ज़्यादा है, तो बोले तोड़ते भी तो आप खुद ही हो। तो ये उनका जस्टिफिकेशन है ज़्यादा पैसे लेने के लिए, कि जब आप अपने शौक के लिए तोड़ सकते हो तो हमने ज़्यादा पैसे ले लिए तो क्या गलत किया। खैर कुछ नहीं कर सकते भाई, काम तो हो गया है, नीचे से भी गाड़ी साफ सुथरी हो गई है। ये जो सामने एम्बुलेंस आ रही है भाई, इसका धुआँ देखो कितना, तो ये धुआँ दे रही है पॉल्यूशन, और शीशे पर फिल्म लगी हुई है, मतलब इसके लिए शायद नियम कानून बने ही नहीं है, ना पॉल्यूशन से रिलेटेड ना जो फिल्म से रिलेटेड है, और कहने के लिए एम्बुलेंस है भाई। मिस्त्री भाई रीजनेबल पैसे लेता था, लेकिन उसने क्या आज ही चैनल को सब्सक्राइब किया और अपनी कुछ वीडियोस देखी ऑफ रोडिंग की, और वो चीज़ उसको ऐसा लगा कि हम लोग अपनी गाड़ियों को जानबूझ के तोड़ते हैं, जानबूझ के डैमेज करते हैं। तो जब पैसे की बात हुई तो उसने बोला कि भाई जब आप खुद तोड़ते हो तो खर्चा तो लगेगा ही,
और जब तक उसको ये नहीं पता था कि हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं और ये सब करते हैं, तब तक वो बड़े रीजनेबल पैसे लेता था। ये तो भाई कमाल का जस्टिफिकेशन है, और इस जस्टिफिकेशन का क्या जवाब दे, क्योंकि काम करा लिया था। काम कराने के बाद तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले अपन ने तय किया नहीं था। खैर एनीवे, जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आप फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।